रीवा में अमानक आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। कलेक्टर न्यायालय ने इन कारोबारियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए कारोबारी, निर्माता, संचालक और रिटेलर पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के बाद फैक्ट्री और डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अमानक आइसक्रीम और नकली सिरप धड़ल्ले से बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने कपिला दुग्ध डेयरी पड़रा में मिथ्या छाप रेन फॉरेस्ट में आइसक्रीम को जब्त किया। इस आइसक्रीम का सैंपल लैब भेजा गया, जो कि जांच में अमानक पाया गया। खाद्य विभाग ने यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर कलेक्टर न्यायालय ने निर्माता राजेश ठारवानी पर 50,000, डेयरी संचालक शिवेंद्र सिंह पर 25,000 और रिटेलर पर 25,000 का अर्थदंड का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सिरप बेचने वाले हनुमाना के दवा कारोबारी पर भी 1,75,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 25,000 दुकानदार, 50,000 रिटेलर, कविता मेडिकल एजेंसी, रमा गोविंद पैलेस, निर्माता जिंटिस ड्रग प्राइवेट लिमिटेड अंबाला के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई है। सुनिए अपर कलेक्टर इला तिवारी ने क्या कहा। रेगुलर बेसिस पे हमारे पास जो केसेस आते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, तो उन केसेस में ये कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच की थी और जांच में अवमानक पाए जाने पर राज्य खाद्य सुरक्षा जो लैब होती है वहाँ भेजा था। वहाँ से सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर हमारे यहाँ केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के पश्चात रेन फॉरेस्ट, जिन्होंने फ्रोजन डेजर्ट पिस्ता की, उनका अवमानक पाया गया था, जिससे दुकानदार, निर्माता और वितरक तीनों को अर्थदंड लगाया गया है। इसमें इनको 1,00,000 का अर्थदंड तीनों के मध्य लगाया गया है, 50,000, 25,000 और 25,000 का वितरक और निर्माता और दुकानदार के मध्य। इसी तरह से हनुमाना में मेडिकल शॉप में भी कॉम्प्लेक्स सिरप का अवमानक पाया गया था। राज्य स्तर की प्रयोगशाला में उसका सैंपल फेल हुआ था, जिसके भी प्रकरण में पूर्ण उसकी जाँच की गई और पूर्ण तथ्यों की जांच के पश्चात उनको भी 1,50,000 का उनको भी जुर्माना लगाया गया है।